नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज विजयदशमी का पर्व है, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र, उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपत्ति का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र, राष्ट्रीय चारित्र, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पावना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे, उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है, जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्यक्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया, उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्णन किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने, उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे। और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है।
ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है और उसके आदर्श ये जीवन है। क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है, दुनिया की हो देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा। अब बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल में गुजरात के छात्र की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में मृतक तुषार माली के दोस्तों ने खुलासा किया है। होटल के रूम के अंदर दोस्त सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीने के दौरान रूम में वार्डन के आने की खबर मिली थी। सिगरेट तुषार माली के हाथ में होने के कारण उसने छुपाने की कोशिश की। वार्डन के डर के कारण तुषार खिड़की पार कर डक्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान छात्र का पैर फिसल गया और वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत। तो एक डर की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। गुजरात का छात्र जिसकी मौत भोपाल में हुई है, इस मामले में खुलासा ये हुआ है। पुलिस ने जब पूछताछ की उसके दोस्तों से तो पता चला कि होटल के रूम में दोस्त सिगरेट पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। सिगरेट पीने के दौरान रूम में जब वार्डन के आने की जब खबर मिली तो सारे ही लोग डर गए और डरने के बाद जब खिड़की से तुषार छुपना चाहा खिड़की से बाहर निकलकर तो उसका पैर फिसल गया और वो चौथी मंजिल से सीधे नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। छात्र की जो मौत हुई है इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और सिगरेट पीने को लेकर जो है यहां पर डर पैदा हुआ इन लोगों में। सिगरेट पीने के दौरान रूम में जब वार्डन के आने की खबर मिली तो जो सिगरेट है वो तुषार माली के ही हाथ में होने के कारण उसे छुपाने की बहुत कोशिश की और वार्डन के डर के कारण तुषार खिड़की पार कर डक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान उसका पैर फिसल गया। शैलेंद्र, ये होटल था या हॉस्टल था और वार्डन के डर से इतना बड़ा हादसा? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के सभी छात्र थे और स्पोर्ट्स में शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल में आए हुए थे और गोविंदपुरा थाना इलाके के एक निजी होटल में ये सभी छात्राएं ठहरे हुए थे। रूम नंबर 405 का ये पूरा घटनाक्रम है कि कल देर रात जो है 1 से 2 बजे के बीच में ये घटनाक्रम पेश आया था और जिस तरीके से पुलिस जब वहाँ पहुंची थी और उसके बाद कल सुबह पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ किया था कि जो उसके साथी छात्र छात्राएं हैं उनसे पूछताछ की जाएगी जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन जब जो उसके साथी छात्र छात्रा उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि 3 से 4 जो छात्र थे वो एक रूम नंबर 405 में बैठकर सिगरेट पी रहे थे और उसी दौरान इस बात की जानकारी जो उनके साथ वार्डन आए हुए थे जो उनको लेकर आए थे गुजरात से उनको लग गई थी और वो जब दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने दरवाजे को नॉक किया तो इससे तुषार माली जो है वो घबरा गया क्योंकि सिगरेट उसके हाथ में थी तो उसने जो होटल के पीछे वाली जो विंडो थी उससे बाहर जो डक्ट लगा था उस पर चढ़ने का प्रयास किया। चूंकि चौथी मंजिल पर वो था और डक्ट से उसका पैर फिसला, उसके बाद वो नीचे आकर गिर गया था
जहां उसकी मौत हो गई थी और इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक छात्र जो है जो गुजरात से गांधीनगर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पोर्ट्स के लिए खेलने आता, अगर उसकी आखिर डेथ कैसे हुई, इसको लेकर लगातार सवाल बने हुए थे। और पुलिस ने जिस तरीके से लगातार जो उसके साथी पूछताछ की है, उसके बाद ये खुलासा हुआ कि सिगरेट पीने की खबर जो है वार्डन को लग गई थी और ये जानकारी उसके परिजनों तक ना पहुंच जाए और यही कारण है कि डर की वजह से रक्त पड़ गया था, वहां से उसके गिरने की मौत हुई है। ये LLB के फर्स्ट ईयर का छात्र था, 18 वर्षीय तुषार माली जो है मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन गुजरात के गांधीनगर में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था और एक स्पोर्ट एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचा था। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सावधान कर देने वाली खबर है कि इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं, स्थितियां पैदा होती हैं, तो इसमें समझदारी की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और इंदौर की बात करेंगे। कांग्रेस जो है वो भाजपा विधायकों की को लेकर एक खबर सामने आ रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यालय पर चिपकाए गए पोस्टर, बीजेपी विधायकों के पोस्टर चिपकाए गए हैं और ये पोस्टर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे कि इसमें कांग्रेस जो है वो बीजेपी विधायकों की रक्षा करेगी, इस तरीके के पोस्टर चिपकाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर चिपकाए गए हैं बीजेपी विधायकों के पोस्टर, प्रदीप पटेल, अजय बिश्नोई की फोटो लगाई गई है, गोपाल भार्गव, ब्रज बिहारी की भी फोटो लगाई गई है। माफियाओं से भाजपा विधायकों की रक्षा करेगी कांग्रेस। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये मामला क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपनों से ही घिर चुकी है। उसमें तीन विधायक हैं, ब्रज बिहारी जो देवरी से विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ दो विधायक हैं पाटन से, अजय बिश्नोई हैं और प्रदीप पटेल। इन्होंने एक तीन दिन पहले सबकी अपनी बातें सामने आई थी और सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार है लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है, एक FIR लिखाने के लिए जाते हैं लेकिन पुलिसकर्मी FIR नहीं लिख रहे, विधायक के कहने पर FIR नहीं लिख रहे। दूसरी तरफ शराब माफियाओं को लेकर भी एक विधायक पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरे ने, इसमें एक विधायक ने तो अपने इस्तीफे तक की बात कर दी थी। अब जब से ये मामला सामने आया, इसमें सियासत भी बड़ी शुरू हो चुकी है, सियासत देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये जो विधायक है, इन विधायकों की अब कांग्रेस अच्छा करेगी। यानी अब इसमें कांग्रेस ने अब बीजेपी विधायक के बयान पर सरकार को घेरने का प्रयास किया है, निशाना साध रही है, तंज कस रहे। कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर लगाया गया है ये तंज कसने के लिए लगाया गया। तो अब इनके बयानों पर एक पोस्टर वार शुरू हो चुका है जिसमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, वो पोस्टर लगाए जिसमें उन्होंने इन विधायकों के नाम के साथ कहा है कि डरो मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो बीजेपी पर यह पलटवार है और कहीं ना कहीं उनके ही बयान पर कांग्रेस अब सियासत कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर एक तरीके से ये पोस्टर से तंज कसा है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में बीजेपी क्या कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है अपने ही विधायकों कुछ बयान से घिरती हुई नजर भी आ रही है। बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें कि प्रदीप पटेल हैं, अजय बिश्नोई की फोटोज लगाए गए हैं, इससे क्या समझा जाए मिथिलेश, क्यों इतनी मेहरबान है कांग्रेस इन पर? देखिए, सियासत होना ही था। जब अगर ऐसे कोई बयान सामने आते हैं जिसमें विधायक कहे कि उनकी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो, तो बेशक लाजमी था इसमें सियासत हो और कांग्रेस को बैठे बैठा एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया। अब कांग्रेस इस पर पोस्टर के जो है अपने ही कांग्रेस कार्यालय पर लगाकर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं से ये तंज कसने वाला, बीजेपी पर ये कमेंट करने वाला, एक तंज कसने वाला ये पूरा पोस्टर है और इन पोस्टर के माध्यम से सरकार में ऊपर कांग्रेस हमलावर है और अब उन मुद्दों को ही कांग्रेस मुद्दा बना रही है जिससे सरकार कहीं ना कहीं अपने ही विधायकों से के बयान से गिर सकती थी। तो विधायकों का बयान सामने आया, विधायकों ने अपनी पीड़ा जाहिर की और उसको अब सियासी मुद्दा बना लिया गया है और जिसमें कांग्रेस ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता है, कॉमेंट में उनसे ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, कांग्रेस ने जो ये पोस्टर लगाए हैं और लिखा है कि कांग्रेस भाजपा विधायकों की रक्षा करेगी, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो साफ है, जब प्रदेश की परिस्थिति ये है कि विधायक के थाने पहुंचने के बावजूद अगर जो है FIR दर्ज नहीं की जा रही है और विधायक को एक दूसरे विधायक को जो है लेट कर SP के सामने जो है या वो SDOP के सामने अपने जो है चरण वंदना करनी पड़ रही है, तो ये देश को, ये प्रदेश को ये पता लगना चाहिए कि कौन आदमी है जो जो ये सरकार चला रहा है, किसके इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं। कि आज जो है एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता की अगर पीड़ा को लेकर जाता है और उसकी सुनवाई नहीं है,
तो ये तो सवाल ये है कि क्या ये जो कुशासन चल रहा है, क्या इसी कुशासन को सुशासन कहती है भारतीय जनता पार्टी? आज जो है ये जो पीड़ा है जनता की, उस पीड़ा को आज अभिव्यक्ति कैसे दें और देश को, प्रदेश को उसके प्रति जागरूक कैसे करें? तो कांग्रेस अपना ये काम कर रही है कि आज जो है ये परिस्थिति है प्रदेश के अंदर। ये जो है चुनाव जीतने को अपने पापों पर मोहर लगना समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का दमन, उत्पीड़न और पाप कर रहे हैं, वो सारे पाप सिर्फ इसलिए दफन हो जाते हैं कि आपने जो है मशीनों में बातचीत कर फिट कर ली अपना और आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना जो है आपके कुशासन की गारंटी नहीं है, और ये जो है ये इसको जो है प्रतिपादित हर जगह करते हैं। राजपाल जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक कॉमेंट उनसे भी ले लेती हूँ। सर राजपाल जी, कांग्रेस ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर्स चिपकाए हैं जिनमें की कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रदीप पटेल और अजय विश्नोई है इसमें, गोपाल भार्गव है, ब्रज बिहारी है, और उसमें लिखा गया है कि माफियाओं से भाजपा विधायकों की रक्षा कांग्रेस करेगी। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उनके कांग्रेस के नेताओं से उनका खुद का घर तो संभल नहीं रहा है, वो पड़ोसी के घर में ताक झांक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के जीते हुए विधायक लाइन लगा के खड़े हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी में शामिल होने के लिए। और ये हमारे विधायकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी है अनुशासित एक ऐसा संगठन, जिस संगठन के कार्यकर्ता के नाते हमारे विधायक और हमारे पदाधिकारियों को हमारे अनुशासन से, हमारे विचार से, हम जो है हमारे यहाँ सब कुछ ठीक होता है, ठीक कर लेते हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा होगा कि पड़ोसी के घर की चिंता के बजाय कांग्रेस स्वयं के घर की चिंता कर ले। जीतू पटवारी खुद इंदौर में जो है अपने उम्मीदवारों की रक्षा कर ले, उनको लड़ा ले, उनके उम्मीदवार चलते चुनाव में उनको छोड़ के जा रहे भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब देखना होगा कि और कितने और कितनी प्रक्रियाएं इस पर आती हैं। बहुत शुक्रिया राजपाल जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपने भी अपनी बात रखी। मिथिलेश आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इंदौर की ही बात करेंगे जहां मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा गया है और घी जब्त की गई है जिसमें मिलावट थी। जब्त घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की थी और 800 लीटर घी जब्त किया गया। घी में तेल मिलाया गया था। अलग अलग इलाके से खाद्य विभाग ने सैंपल लिए थे। इंदौर में मिलावटखोरी पर शिकंजा कस लिया गया है और यहां घी में तेल की मिक्सिंग थी। त्योहारों में आप अक्सर कई पकवान अगर घी में बनाते हैं, खासतौर पर मीठे चीजें, जैसे कि कई बार आप लड्डू बनाते हैं, तो ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है कि जिस घी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं उसमें मिलावट तो नहीं। मिथिलेश संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ ही पूछेंगे कि कहां कितने मात्रा में जो है इस तरह की मिलावटी घी मिली है, क्योंकि मिलावट खोर से आप सावधान हो जाइए, सक्रिय हो गए हैं। त्योहारी सीजन में अक्सर भारी मात्रा में सामानों को बेचने के लिए इस तरह के मिलावट किए जाते हैं और खाद्य विभाग की नजर बनी हुई है। खाद्य विभाग ने छापेमारी की और भारी मात्रा में लगभग 800 लीटर घी जो है जब्त किया गया है जिसमें कि तेल मिलाया गया था। यह आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है सोचिए। मिथिलेश संवाददाता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 800 लीटर घी जब्त किया गया है जिसमें कि तेल मिलाया गया था, कैसे पूरी कार्रवाई की गई और क्या कुछ खाद्य विभाग की तरफ से कहा गया? देखिए खाद्य विभाग इस वक्त लगातार मिलावट को लेकर कार्रवाई कर रहा है और बिल्कुल सख्त एक्शन में इस वक्त खाद्य विभाग। अभी कल ही की बात है जब डुप्लीकेट सौ पकड़ा गया था जिसमें कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, सरसों और राई भी डुप्लीकेट मिल चुकी है, लेकिन अब ये घी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये डुप्लीकेट जो घी है स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है, बेहद हानिकारक है। और देखिए ये जो मिलावटखोर है ये पैसे कमाने के लालच में लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है ये हत्या करने से भी बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है, क्योंकि ये मिलावट वाली जो घी जितने लोग खाएंगे वो सबके स्वास्थ्य इसका बुरा असर पड़ेगा, लोग बीमार हो सकते हैं, आने वाले उस वक्त में उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक उनकी जान जा सकती है। अब पुलिस ने, माफ कीजिएगा, प्रशासन ने कहा
इस पूरे मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पिछले अगर कुछ कार्रवाई की बात की जाए तो रासुका तक की कार्रवाई की गई थी, बड़ी कार्रवाई की गई थी, और जो अवैध ऐसी फैक्ट्रिया है उसको बुलडोजर तक चढ़ा दिया गया था। अब एक बार फिर से लिस्ट तैयार कर ली गई है मिलावटखोरों के खिलाफ। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह बिल्कुल सख्त एक्शन में, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर मध्य प्रदेश की इंदौर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर जो इंदौर है, सबसे बड़े जो बाजार है, मार्केट है, वो इंदौर है। और यहाँ से वाकई में पूरे देश में भी देश के कई हिस्सों में चीजें जाती हैं, और यहीं से अगर मिलावट शुरू होती है तो वाकई में चिंता का विषय। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में अवैध शराब पकड़ने वाले आबकारी विभाग के कर्मचारी खुद ही नशे में धुत मिले हैं। ये कर्मचारी सरकारी गाड़ी में अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ने निकले थे, लेकिन खुद ही नशे में धुत मिले। इन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। नशे में धुत आबकारी विभाग के कर्मचारी ने काफी देर तक तमाशा किया। आबकारी उड़नदस्ता टीम के प्रधान आरक्षक, आरक्षक और ड्राइवर ने वर्दी को दागदार कर दिया है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता विभाग के कार्यालय के पास काफी देर तक तमाशा चलता ही रहा। अंबिकापुर के देखिए किस तरीके से यहां पर जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं। अवैध शराब पकड़ने वाले आबकारी विभाग के कर्मचारी खुद ही नशे में धुत मिले। श्रवण महन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ये कैसी चेकिंग थी? जो निकले हैं चोर को पकड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं खुद ही चोर हैं, मुहावरे के तौर पर अगर हम देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये तीनों प्रधान आरक्षक, आरक्षक और ड्राइवर का वीडियो आया है, और ये वीडियो और कहीं का नहीं है, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय के सामने का है। जब ये निकले थे अवैध शराब को पकड़ने, और शराब पकड़ने के बाद जब वापस आए, और जैसे ही इनकी जो शासकीय वाहन है वो अपने कार्यालय के सामने खड़ी होती है, और उसमें से जो दो आरक्षक और प्रधान आरक्षक जो निकलते हैं, और इसके साथ वो तमाशा शुरू करते हैं जो चालक है उसको निकालने का। और जिस तरह से ये तमाशा करते नजर आए, और पूरी तरह से वर्दी में थे, पूरे मदहोश थे, शराब के नशे में चूर थे, तो स्थानीय लोगों ने जब इस तमाशा को देखा तो अपने मोबाइल के कैमरे में इनके जो तमाशा है वो कैद कर लिया। अब वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आबकारी उड़नदस्ता की जो टीम है वो शराब पकड़ने गई थी, अवैध शराब पकड़ने गई थी, लेकिन खुद ही इतने मदहोश ये थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। जिसका जो वीडियो है वो स्थानीय राहगीरों ने बनाया है, और एक तरह का एक मैसेज है कि किस तरह से ये जो अधिकारी हैं अपने आप को सफाई पेश करते हैं, और जो अवैध शराब बनाने वाले जो लोग हैं उसको धरपकड़ करते हैं। लेकिन इसके बाद आप ये वीडियो से आप साबित होता है कि ये जो आबकारी अधिकारी के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से अपने वर्दी को दागदार कर रहे हैं, नशे में चूर हैं, और ये जो वीडियो सामने आने के बाद किस तरह से इनके जो अधिकारी हैं वो इन पर कार्रवाई करते हैं, ये देखो देखने वाली बात है। ये देखना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18।